एक तरफ प्यार में नाकाम आशिक ने किया नाबालिग का मर्डर, पुलिस ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में 11 नवंबर को हुई एक युवती की हत्या के मामले में पुलिस ने युवती के पड़ोसी देवराज को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। देवराज ने एक तरफा प्यार के चलते 16 साल की नाबालिग पूजा नाम की युवती की गला काटकर हत्या की थी। आरोपी नाकाम आशिक देवराज का कहना है कि पहले युवती उससे प्यार करती थी, लेकिन बाद में किसी और से वो प्यार करने लगी, जिससे नाराज होकर उसने युवती की हत्या कर दी। 11 नवंबर को मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके के सैनी वाली मिलक में विष्णु नाम की व्यक्ति की बेटी पूजा घर में अकेली थी। पूजा के परिजन खेत में काम करने गए थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर युवती की गला रेतकर हत्या कर दी थी। देर शाम जब खेत से काम करके विष्णु घर आया तो उन्हें उनकी बेटी के साथ हुई वारदात की सूचना मिली। आनन फानन में बाकी परिजन भी खेत से घर पहुंचे तो देखा कि पूजा घर की चौखट पर खून से लथपथ पड़ी हुई है, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया था। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और घटनास्थल का मुआयना करने के बाद जांच के आदेश दे दिए। पुलिस को अपनी जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद देवराज नाम के युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसका नाम पूजा है। जो 3 बजे खेत पे से आई ही, जो 3 बजे खेत पे से आई ही, मैं कह रही मैं सफाई करूंगी घर जाके, दीपावली आ रही है, मेरी आई 3 बजे, झाड़ू यहाँ पे द्वारे में पड़ी, मैं 5 बजे आई, बाहर से कुंदी लग रही, मैंने देखा कहाँ गई पूजा, कुछ भी काम न करा है, इन्हें भी सारे बर्तन पड़े हैं, सारा काम पड़ा है, मैं यहाँ की कमरे की किवाड़े खोल के देखी, इस कमरे में भी कोई ना, इस कमरे में लाइट ना है, मैं दिखाई न दी, मैं छत पे भी देख के आई, से पलंग घेर में भी देख के आई, सब में पिछवाड़े मेरे खेत होंगे, उस खेतों में देख के आई, अब आते ही कहाँ गई काम ना करा कुछ भी, मैं कह रही से मैंने झाड़ू पड़ी, मैं घर में देखने जा रही, तो घर में देखने जा रही तो मेरा प्यार रख गया, मेरी का मेरी किक्की निकल गई है, अपनी लाड़ को मैंने उठा लिया। जैसा कि आप अवगत हैं कि दिनांक 11 नवंबर को एक थाना क्षेत्र कटघर में ग्राम देवापुर के सैनियों वाले मिलक में एक लड़की की हत्या कर दी गई थी गला काटकर। उस घटना का आज अनावरण किया गया है। इस घटना यह अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ में ये जानकारी मिली। यह व्यक्ति जिसका नाम देवराज है, ये उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था और इसी प्रेम प्रसंग के संदेह में इसने उस लड़की का आक्रोश में आकर गला काटकर हत्या कर दी थी। आज इससे पूछताछ के बाद ये मॉडल सुपरिंटेंडेंट सामने आई है और इसकी निशानदेही भी आला कत्ल भी बरामद किया गया है। अभी तक इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है, जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। इसकी उम्र अभी कम है, ज़्यादा उम्र नहीं है, इस नाते अभी इस वर्ष इसने इंटर पास किया है, जैसा कि ये बता रहा है। ये सभी तथ्यों की पुष्टि किया जाना शेष है। सर, आरोपी भी बता रहा था कि मैं उससे मोहब्बत करता था, वो भी मुझसे करती थी, लेकिन बाद में वो किसी और से करने लगी, इस वजह से। जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रारंभिक पूछताछ में इससे एक तरफा प्यार की जानकारी सामने आई है और बाकी तथ्यों की भी जानकारी की जाती है। ये सब्जी काटने वाले दराती से उसे गला रेत कर हत्या कर दी गई, आला कत्ल बरामद किया जा चुका है। ठीक है।